ये सुरूपा जी, बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज भी मंदी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से ग्वार में एक अच्छी रैली के बाद एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, कम से कम 2,500 पॉइंट नीचे लुढ़का है ग्वार, तो क्या ऐसे में इस समय ग्वार से अभी दूरी बनाकर चलना ही सही रहेगा? देखिए बिल्कुल, अगर थोड़ी दूरी बना के रखे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन देखिए ट्रेंड अभी जो है वो एक बार फिर से डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमें इसके अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है। बाजार जो है लगातार 12,000 से नीचे लुढ़कता हुआ ही दिखाई दिया है, और फंडामेंटल की बात करें तो इस बार फसल काफी कमजोर देखने को मिली है। वहीं ग्वार के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी इस बार जो है 33 लाख बोरी के आसपास देखने को मिला, जो कि पिछली बार 55 लाख बोरी के आसपास था। देखिए अभी इसकी तेजी मंदी जो है एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर ये यूं कहें कि फिजिकल मार्केट के अंदर अगर ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं तो इसकी जो है डिमांड पिकअप होती है, तो प्राइसेस के अंदर बूस्ट आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही थोड़ा सा मांग मंदी पड़ी है तो इसकी कीमतों के ऊपर जो है वो इफेक्ट आना शुरू हो चुका है, तो अभी जो है डिमांड इसकी मुझे लगता है कि शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कि ट्रेडर्स जो हैं अभी सोयाबीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन जो स्टॉकिस्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग पहले अपना माल निकालते हुए ग्वार के अंदर दिखाई दे रहे थे, अब कुछ मूवमेंट जो है सोयाबीन में भी आने लगी है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा ठहराव आ सकता है ग्वार के अंदर, लेकिन ट्रेंड वापस से पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा अगर एक बार फिर से खरीदारी हावी होती है। और अभी आप मान के चलिए नीचे में हो सकता है, आपको एक बार 11,000 के नीचे अगर लुढ़क जाता है तो 10,800 से लेकर 10,600 के स्तर ग्वार के अंदर देखने को मिले। अगर 10,800 के सपोर्ट लेकर अगर वापिस से बाइंग में आता है तो फिर तेजी की तरफ जा सकता है, अदरवाइज 10,800 को सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो आपको नीचे में 10,9800 तक के स्तर भी इसके अंदर ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज सीड के अंदर भी आपको 6,000 तक नीचे डाउनसाइड आ सकता है, और ऊपर में 6,400 के ऊपर निकलते ही इसमें वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी बाजार जो है इन्हीं इसी लेवल पर एक बार कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है इन लेवल्स के ऊपर तो वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि अभी ग्वार की जो मंदी तेजी है वो इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड इतनी ना होकर इसकी डिमांड की ओर ज़्यादा शिफ्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस दिन बाज़ार के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो एक्टिव होते हैं, उस दिन ग्वार की बाज़ार में काफ़ी शानदार तेज़ी बनती नज़र आती है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है हम वायदा बाज़ार में, फ्यूचर मार्केट में भी पड़ता हुआ देखते हैं, और वही दिन होते हैं जब ग्वार की कीमतों में ऊपरी सर्किट लगते नज़र आते हैं, चाहे फंडामेंटल तेज हो या ना हो। लेकिन जिस दिन ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते हैं, एक्सपोर्टर्स मंडियों में खरीदारी नहीं करते हैं, उस दिन बाज़ार शांत रहता है, और हम देखते हैं कि वायदा में भी बाज़ार शांत ही रहता है और निचले सर्किट भी कभी कभार लगते नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए हम देख रहे थे कि ग्वार में एक दिन 5-6% के ऊपरी सर्किट, तो उसके ठीक 2-3 दिन बाद 5-6% के निचले सर्किट भी लगते नज़र आ रहे थे। तो ग्वार में अभी थोड़ा मार्केट को वॉच करके चलना ज़्यादा सही रहेगा।